पीओके पर जहर उगलने वाला रेडियो पाकिस्तान अपने ही लोगों ने जला दिया। पाकिस्तान की फौज ने किया रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग का दौरा, 1 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान के बहुत ही पुराने मीडिया हैंडल से। दोस्तों, रेडियो पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये रेडियो पाकिस्तान है। दोस्तों, रेडियो के ऊपर समाचार देने का काम तब हुआ करता था, धीरे धीरे इसे मॉडर्नाइज किया गया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार वेबसाइट और अलग अलग चैनलों के थ्रू रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तरह काम करता है। हाल ही के दिनों में इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो रेडियो पाकिस्तान की जो पेशावर की बिल्डिंग है उसको पूरे का पूरा आग के हवाले कर दिया गया और उनके वर्करों के साथ खूब मारपीट की गई और पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। दोस्तों, ये रेडियो पाकिस्तान भारत के अंदर बैन है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये फेक न्यूज़ चलाने का काम करते हैं, जिसके जवाब में भारत की सरकार ने इनके ऊपर ये कार्रवाई कर रखी है। लेकिन अपने ही लोगों ने रेडियो पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया उसकी तस्वीरों को देखने के लिए पेशावर के जो कोर कमांडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इस बिल्डिंग का दौरा किया और बेसिकली इनकी वीडियो जो निकली है उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से सारी बिल्डिंग को खाक कर दिया गया है। हालांकि इस बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करने के लिए जो पाकिस्तान की फौज है वो यहां पर सामने आई है और बताया गया है कि 24 से लेकर 26 घंटों के बाद इस बिल्डिंग का जो ऑपरेशन है फिर से शुरू कर दिया गया और इस बिल्डिंग की मरम्मत से लेकर सारा काम अब पाकिस्तान की फौज अपने पैसों से इसके ऊपर करने जा रही है। आपके सामने ट्वीट चल रहा है पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का, जिसने बताया है कि पाकिस्तान के जो कोर कमांडर हैं उन्होंने इस बिल्डिंग का दौरा किया है और इसी के साथ 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को दोबारा से बनाने के लिए। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान की फौज पैसा क्यों दे रही है, पाकिस्तान की सरकार को पैसा देना चाहिए। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की सरकार के हाथ में इतना सिस्टम नहीं है जितना पाकिस्तान की फौज के हाथ में है और पाकिस्तान की फौज ने ही इस बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करने का सारा काम एक अपने जिम्मे लिया है और ये रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान की फौज के लिए ही काम करता है। तो ये सारी सिचुएशन निकली है, सारा सिस्टम पाकिस्तान की फौज के हाथ में ही है और पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने बिल्डिंग जलाई है तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचाना है, उसी के थ्रू इन्होंने रेडियो पाकिस्तान को निशाना बनाया। आपका क्या कहना है दोस्तों पाकिस्तान के लोगों के बारे में, कॉमेंट में बताइएगा।